दोस्तों ऐसा हुआ कि रणथंभौर युद्ध 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी और हमीर सिंह के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध का यह कारण था कि हमीर सिंह क्षत्रिय धर्म निभाते हुए मोहम्मद शाह को अपने यहाँ शरण दी थी। इस युद्ध में हमीर सिंह वीर गति को प्राप्त हुए और जब घायल मोहम्मद शाह को अलाउद्दीन खिलजी के सामने लाया गया तब खिलजी ने कहा कि मैं तेरा उपचार करवा देता हूँ क्योंकि तेरा और मेरा धर्म एक ही है, तब तेरा व्यवहार मेरे प्रति क्या रहेगा। इस समय मोहम्मद शाह भी राजपूतों के साथ रहने से राजपूती स्वाभिमान में रंग चुका था। उसने गुलामी जंजीरों को अस्वीकार करते हुए कहा कि मैं सबसे पहले तेरी हत्या करूंगा और इसके बाद महान हमीर सिंह के किसी वंशज को रणथंभौर की गद्दी पर बैठाऊंगा। इसके बाद धोखेबाज अलाउद्दीन खिलजी ने मोहम्मद शाह की भी हत्या कर